नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल कपिल बिस जीके में। दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे कि इंडिया वर्सेस बांग्लादेश के बीच 3 T20 मुकाबले और 3 टेस्ट मुकाबले कब से खेले जाएंगे और कितने बजे से खेले जाएंगे और कहां खेले जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता होगा कि इसके पहले टीम इंडिया का सामना जो है श्रीलंका के खिलाफ हुआ, जिसमें श्रीलंका के खिलाफ सूर्य कुमार यादव ने अपनी कप्तानी में 3 T20 मुकाबले जीतकर बांग्लादेश के गेंदबाजों को धूल चटाई और हमारे गेंदबाजों ने बांग्लादेश के बल्लेबाजों को धूल चटाकर भारत ने एक नहीं दो नहीं बल्कि तीनों T20 मुकाबले जीतकर 3-0 से बांग्लादेश को जो है सुपड़ा साफ कर दिया और भारत ने T20 मुकाबले में सीरीज जीत ली। उसके बाद दोस्तों, सूर्य कुमार यादव के बाद दोस्तों कप्तानी जो है रोहित शर्मा को दी गई और 2-3 ODI मुकाबले खेले गए। पहले ODI मुकाबले में टीम इंडिया के कप्तान दोस्तों जो है इस मुकाबले को जीतने से बचे और दोस्तों यह मुकाबला दोनों टीमों के बीच में ट्राई हो गया, लेकिन दूसरा दोस्तों ODI मुकाबला भारत हार गया बुरी तरीके से और तीसरा ODI मुकाबला भी भारत श्रीलंका के खिलाफ हार गया, यानी कि 2-0 से ODI मुकाबले में भारत को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों, अब आप सभी को बता दें कि 3 T20 मुकाबले और 2 टेस्ट मुकाबले जो है बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाएंगे। जी आपको बता दें, इसमें पहले दोस्तों 2 टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे जिसके कप्तानी दोस्तों आप सभी बता दें कि रोहित शर्मा करेंगे और आपको बता दें कि यह 2 टेस्ट मुकाबले जो है आज जो अब जो है इंडिया में ही खेले जाएंगे और बांग्लादेश की टीम इंडिया दौरे पर आएगी। जी आपको बता दें कि 2 टेस्ट मुकाबले खेले जाएंगे जिनका समय जो है सुबह 9:30 बजे से रखा गया है, 19 सितंबर से खेला जाएगा। जी आपको बता दें कि पहला मुकाबला 19 सितंबर से खेला जाएगा, वहीं दूसरा मुकाबला 27 सितंबर से खेला जाएगा और दोनों टेस्ट मुकाबले में भारत में ही होंगे सुबह 9:30 बजे से। तो आप सभी को हमारे चैनल पर पूरा हाईलाइट मुकाबला बताएंगे, इसलिए वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वहीं दोस्तों आपको बता दें, उसके बाद 3 T20 मुकाबले खेले जाएंगे जिसके कप्तान सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव ने अपनी मेहनत से ही कप्तानी जो है हासिल की है। T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने शानदार कैच पकड़कर भारत को जीत दिलाई, उसके बाद तुरंत ही कप्तान बनाए गए और 3-0 से बंगला जो है श्रीलंका को बुरी तरीके से हराया। और दोस्तों, T20 मुकाबले में यानी कि 3 T20 मुकाबले भारत और जो है बांग्लादेश के खिलाफ खेले जाएंगे जिसमें कप्तानी सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं। तो आपके हिसाब से हार्दिक पांड्या, सूर्य कुमार यादव या शुभमन गिल में सबसे अच्छा T20 मैच के लिए कप्तान कौन है, कमेंट करने की कीमती राय जरूर दें। तो दोस्तों आपको बता दें कि T20 मुकाबले जो हैं वो शाम 7:30 बजे से खेले जाएंगे, ये तीनों मुकाबले भी भारत में खेले जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको हमारा थोड़ा सा भी वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। जय हिंद, भारत, वंदे मातरम।